तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। तो इतना जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल के अंदर इवेंट्स होती हैं, जिसके दरमियान क्या होती है, दो दो प्रोसेस साथ में चलती हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये डिसाइड होती है ओवरी से लेके यूट्रस तक। तो ओवरी में क्या होता है और यूट्रस में क्या होता है, दोनों प्रोसेस साथ में कैसे चलती है, ये हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसे हम लोग मंथ बोलते हैं, या फिर इसे पीरियड बोलते हैं, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में एमसी के नाम से भी बोलते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है केवल फीमेल के बॉडी में चलती है, और इसके अगर ड्यूरेशन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन 30 दिन और 32 डेज का होता है। और बेसिकली अगर हम बात करें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है अगर स्टार्ट होता है तो इसे बोलते हैं मीनार, जो कि फीमेल की बॉडी में 12 से 14 साल में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉप का, अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो उसे बोलते हैं मेनोपॉज, जो कि होता है 45 साल में कंप्लीट हो जाता है। अगर इसको हम कंप्लीट करें कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि 45 साल में होता है, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन हम देखते हैं कि अगर जब फीमेल यूट्रस के अंदर होती है, यानी जब वो ओंब के अंदर रहती है, यानी जब गर्भावस्था में रहती है, तो उनका जो ओवरी होता है उनके ओवरी में थाउजेंड्स के फॉर्म में फॉलिकुलर सेल होते हैं, जिसके अंदर इमेच्योर एक होता है। और ये जैसे ही ओवरी के अंदर, यानी जब ओंब से जब उनका बर्थ हो जाता है फीमेल का, तो इसकी जो संख्या थाउजेंड्स में थी वो किस में आ जाती है, 100 में आ जाती है। और 100 से बाद इसकी जो संख्या हो जाती है जब वो एडल्ट हो जाती है, तो एडल्ट होने में के बाद उनमें जो इसकी संख्या बचती है केवल 400 बचता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर एक मंथ में एक रिलीज होता है तो 12 मंथ में 12 होगा, और वैसे ही हम 400 में क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा तो अप्रॉक्स सपोज करिए 43 या 44 आएगा, ठीक है, यानी 43 या 45 साल हम कह सकते हैं। तो छोटा सा कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं कि उनके बॉडी के अंदर मेनोपॉज कंडीशन आती है कि 45 साल में ही आती है। देन फाइनली हम बात करते हैं कि एक हमने ग्राफ बनाया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज होते हैं। तो पहला फेज है फॉलिकुलर फेज, दूसरा है ल्यूटियल फेज, और तीसरा है मेंस्ट्रुअल फेज। अगर फॉलिकुलर फेज की बात करें तो ये क्या होते हैं कि ये 7 से 10 दिन तक होते हैं, ठीक है। और इस फेज में होता है क्या कि जो इमेच्योर एग होता है मेच्योर एग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे प्रोसेस होती है ओवुलेशन। देखो यहाँ पे क्या बना है, सेकेंडरी ओसाइट बना है, लेकिन ये सेकेंडरी ओसाइट बनने के लिए यहाँ पे देखो एक नीचे और एक ऊपर वाला ग्राफ देखो, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर बन रहा है और ये भी बन रहा है, ये दो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। पहली हार्मोन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है उनका नाम है FSH और LH, और ये जो हमारे ओवरी से सीक्रेट होते हैं उनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन और जो हमारे FSH होता है जिसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये दोनों कंट्रोल करते हैं। यानी बेसिकली एस्ट्रोजन जो कंट्रोल करता है वो ओवुलेशन के प्रोसेस कंट्रोल करता है, FSH जो कंट्रोल करता है वो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में कंट्रोल करता है। देन अगर हम बात करें कि देखो 14 डेज तक अगर कंप्लीट की बात करें, तो यहां पे प्लेसेंटा क्या हो रहा है, बन रहा है। ओवुलेशन यानी प्राइमरी फॉलिकल जो होती है ग्राफनिक फॉलिकल में चेंज होती है, यहां पे सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन 14 से लेके 18 डेज, यानी जिसके बीच में 4 डेज का आता है, अगर इसमें एक स्पर्म के साथ फ्यूज करता है तो जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो प्लेसेंटा फिर धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, FSH का LH का लेवल लो होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, और लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल सॉरी बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है। फाइनली जैसे ये 24 यानी 28 दिन तक आते हैं, तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है और फिर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना चाहिए, यानी कि फिर से नई साइकिल चलना प्रारंभ हो जाती है। तो ये पूरा था टाइम पीरियड भी कितने डेज में होते हैं। तो 1, 2, 4 से अगर हम बात करें 20 एज तक, तो यहाँ से 2 से स्टार्ट की, यानी जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है लास्ट वाले जो फेज है 3 से 5 दिन होती है, तो ये 28 से लेकर 4 डेज तक, यानी 28 1, 2, 3, 4 यानी 5 डेज तक ये मेंस्ट्रुअल होती है, यानी प्लेसेंटा डिग्रेड हो जाती है, फिर यहाँ से फिर नया प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है।
तो ये थे हमारे फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। तीन फेजेस में हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है और एक फीमेल के बॉडी में ये पूरे 28 दिन का साइकिल रन होता है। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की नीड क्या होती है, तो इसमें नीड इतना होता है कि इसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी होता है और एग का भी फॉर्मेशन होता है, दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलते हैं। अगर कोई पूछे कि अगर मेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं रन होती है, तो सिंपली इसका आंसर हो सकता है कि फीमेल के बॉडी में यूट्रस होता है, मेल के बॉडी यूट्रस नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फीमेल का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए उनके बॉडी में दो दो साइकिल चलती है, सोचो दो दो प्रोसेस हो रहे हैं, मल्टी स्टेप में तुम्हारा एग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये फाइनली कहानी थी किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसके बारे में और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। ठीक है।